देश को इस बार G20 की अध्यक्षता मिली है और इसी के तहत देश भर में G20 की कई बैठकें हो रही है। वहीं उत्तराखंड को भी G20 की 3 बैठकें मिली है, जिसमें से एक बैठक रामनगर में हो चुकी है तो दूसरी नरेंद्र नगर में होने जा रही है। और इन्हीं बैठकों की तैयारी को लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने बताया कि G20 की नरेंद्र नगर में बैठक होने जा रही है और इसी को लेकर मैंने अपने विभागों की समीक्षा बैठक की है। वहीं मेरे विभाग की 6 निकाय उस रूट पर पड़ेंगे जहां पर G20 बैठक होने जा रही है और इन सभी निकायों में हम किसी न किसी तरह से काम कर रहे हैं। कहीं पर गौशाला बनाई जा रही है तो कहीं पर बिजली का काम किया जा रहा है, कहीं पर सड़क का काम किया जा रहा है और इसी को लेकर आज मैंने समीक्षा बैठक की है कि आखिर इन कामों में कितनी तेजी है। देखिए, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से G20 का कार्यक्रम बिल्कुल अब हमारे नज़दीक है, उसको लेके जो मेरे विभाग की तरफ से काम होने हैं उसकी समीक्षा की है। और हमारे यहाँ 6 निकाय पड़ते हैं जो इस रूट पे रहेंगे, जो आंशिक या पूर्ण रूप से उसमें शामिल है, जैसे डोईवाला है, ऋषिकेश है, मुनि की रेती है, जोंक है, नयनगर है और तपोवन है। इन 6 निकायों में हम लोग किसी न किसी रूप में काम कर रहे हैं। जैसे आप समझिए कि हमारे यहाँ सड़क का काम है, बिजली का काम है, पोल लगाने का, सफाई का काम है और गौशाला का एक मॉडल बनाने का काम है और उसी प्रकार से कुछ यंत्र खरीदे जाने हैं। ये सब प्रकार के काम की जो समीक्षा मेरे द्वारा की गई तो लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि हम बिल्कुल अंतिम चरण में हैं, यानी कि हम लगभग सारे काम हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जो शेष काम कुछ थोड़े बहुत बचे हैं वो 2-3 दिन में हम पूरा कर लेंगे। यानी कि हमारी विभाग की तरफ से पूरी तैयारी है, जो जिम्मेवारी हमारे विभाग को मिली थी उस जिम्मेवारी को हम पूर्ण कर रहे हैं। और अच्छा भी लगता है कि मेरे दूसरे विभाग भी, जैसे आवास के माध्यम से भी कुछ काम हो रहे हैं, वो भी लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारे मेहमान आने वाले हैं उनकी मेहमानबाजी के लिए हम लोग तैयार हैं और अच्छा कार्यक्रम यहाँ सम्पन्न हो, क्योंकि यहाँ की संस्कृति, यहाँ के जो सभ्यता है वो यहाँ से लेके जाएंगे। और हम लोग तो स्वाभाविक रूप से एक जो भी अतिथि आता है उसको भगवान के रूप में मानते हैं, तो उस प्रकार से उनका स्वागत करेंगे और उनको भी अच्छा लगेगा यहाँ के। तो हमारी सरकार, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और मैं अपने अधिकारियों का, कर्मचारियों का इस रूप में धन्यवाद दे रहा हूँ, उन्होंने समय पर काम पूरा किया है। सर, आने वाले